हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अब धीरे धीरे शरीर खुलने लग गया है, इतना पेन नहीं होता है, बढ़िया लगता है। सबसे पहले मैं उठती ही अभी ये कर देता हूँ कि भाई आपको पता लग जाएगी, आज मेरा है 11वां दिन। आज भाई अपना 11वां दिन है, लाइफ चेंज सीरीज का। और आपको मैंने जैसे कि बताया, मैं डेली डेली आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट देता रहूंगा, तो आज मैं आपको दूंगा। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं पहले योगा, उसके बाद दोनों सेशन लेते हैं, उसके बाद शाम को भी होगा करते हैं, ठीक है? मैं उसके बाद आपको बता दिया करूंगा जो भी आपके लिए बेस्ट है कुछ। तो चलो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं योगा करने के लिए। मैंने अभी बस मैं नहाया हूँ, रेडी हुआ हूँ पूरा। आप तो वैसे मैं बीच बीच में बिना नहाए चला जाता हूँ, तो ठीक है चलता है। आज मैं वैसे नहा लिया, बस दिल करता नहा लेता हूँ, मैं कभी कभी नहीं भी नहाता। चलो भाई निकलते हैं। लो भाई मैं पहले व्यू देखने आ जाता हूँ, ये वाला। आओ बस थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर चलते हैं क्लास के लिए। भाई ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए हैं, हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। अभी सर नहीं आए, सर बस आने वाले हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूं मैं क्लास में आ गया हूँ। तो चलो योगा स्टार्ट करते हैं, बस सर आते हैं तब तक मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, शुरू कर लेता हूँ। Four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relax. Lift your body. Watch back, hold, come on. 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, hold one side, partners, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hold 13, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhale, front. Lift your body, watch back, palms on the left. Hold. 1, 2, 3, 4, partner, change. 15, 16, 17, 18, 19, last 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
हठ योगा का भाई एक सेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं करूंगा प्राणायाम। ये बहुत जरूरी होता है प्राणायाम करना, और मैं भी आपको प्राणायाम ही बताता हूँ। हठ योगा का बिल्कुल एक भी आसन नहीं बताता, क्योंकि वो मुझसे भी बहुत मुश्किल से अब जाके कुछ कुछ होने लगे हैं भाई। इतने नेक्स्ट लेवल होते हैं ये, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं ये हठ योगा। इसके ऊपर नहीं होती कोई योगा, सबसे लेवल नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो प्राणायाम इसलिए बता देता हूँ, वो भाई बॉडी को रिलैक्स करती है। जैसे कि अभी मैं थका हुआ ना बहुत ज़्यादा, अब मैं करूँगा प्राणायाम, तो प्राणायाम में बॉडी हो जाएगी सेट, बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाएगी। और प्राणायाम करने के तरीके बहुत अलग अलग से हैं। क्लासेस कंप्लीट, अब नहाते धोते हैं, कुछ खाते हैं। नहीं, पहले कुछ खाते हैं भाई, बाद में आधे पौने घंटे बाद नहाऊंगा। सुबह नहा के गया था मैं, फिर नहा लूंगा, लेकिन पसीना बहुत आता है ना यार, उसके हिसाब से नहाना चाहिए। तो आज जैसे ही व्लॉग को मैं समाप्त करूंगा, आज आपको एक प्राणायाम बता दूंगा बेस्ट, जो आपके लिए बॉडी के लिए बेस्ट है, उसके बेनिफिट भी बता दूंगा आपको क्या होने वाले हैं। ठीक है, 8 प्राणायाम आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रटवा दूंगा ना, याद रखोगे आप भी भाई। बस फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे इंस्टाग्राम को भी जरूर। तो भाई अभी अपनी हो गई है क्लास कंप्लीट, 3 क्लासेस, और खाना पीना भी मेरा हो गया जो डाइट थी। अब मेरा खाना है, भूख लग रही है, तो मैं खाऊंगा एप्पल, एप्पल खाऊंगा और राइस केक खाऊंगा साथ में, पीनट बटर के एक ही राइस केक खाऊंगा, उससे ना पेट फुल हो जाता है, और 2 एप्पल खा लूंगा तो सही रहेगा। फिर शाम को क्लास है, अभी लाइट गई हुई है भाई, तो अपने दोनों भाइयों ने जाना था, सोनू और वीरेंद्र भाई दोनों ने, तो वो जा चुके हैं, अभी गए हैं सोनू भाई, तो वो जा ही रहे हैं। तो चलो ये भी हफ्ते बाद आएंगे, और थोड़ा सा खाली खाली सा हो गया, सुनना सुनना था। तो ठीक है, मम्मी एक से चलती रहेगी, फ्लेक्सिबल होना है, जल्दी होंगे। तो भाई मेरी डाइट वगैरह कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मैंने स्टडी भी कर ली, मुझे पढ़ना था, और जो मैं डेली करता हूँ प्राणायाम की क्लास में वो मैं आपको बताऊंगा आज एक और, कि आपने लाइक कैसे करना है, आपने अब अगला प्राणायाम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आने के बाद। बस टाइम होने वाला 15 मिनट में क्लास है, तो चलते हैं हट योगा की क्लास में। उसके बाद आने के बाद ही व्लॉग को समाप्त करूंगा और आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, आज मेरे को वीडियो एडिट भी करना है, और रात को यार जल्दी सो जाता हूँ मैं, फिर सुबह जल्दी उठना होता है ना। गई हुई थी भाई लाइट, अभी आई है, वो इन्वर्टर बल्ब था इसलिए जल रहा था। ओ भाई बाहर का भी तो भाई हमेशा ही ऑसम होता है, देख रहे हो क्लास है अभी, 1-2 बच्चे हैं, अभी प्रैक्टिस चल रही है, मैं अभी जाके शरीर खोलता हूँ। डेली की डेली जैसे करो ना यार, थोड़ा सा पेन तो होता है यहाँ पे, बटरफ्लाई पोज में जो बटरफ्लाई वो करते हैं बनते हैं, लेकिन ठीक भी लगता है फिर बाद में, अच्छा लगता। चलो चलते हैं भाई करने के लिए, अभी धूप आ रखी थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया। Thank you.
दो भाई, खतरनाक हो गया आज की क्लास कुछ, टन बुरा हाल हो गया, शरीर टूटा पड़ा। मैं करता हूँ रिकवरी लेके, प्रोटीन के बाद नहाऊंगा मैं। पसीना आ रखा है बहुत ज्यादा, व्हाइट में शर्ट पता ना लग रहा हो लेकिन बहुत पसीना आ रखा है। तो चलो भाई अब मैं बैठ गया एडिटिंग करने के लिए, नहा धो लिया था मैं और डाइट भी अपनी खा ली थी, एप्पल ही खाए थे और प्रोटीन पिया था जो भी है। और मैंने आपको बताया था जैसे कि कल मैंने आपको जो सूर्य और चंद्र बताए थे ना, कैसे आपने सांस लेना है, आज वही अनुलोम विलोम बता रहा हूँ मैं। ये भी हेडेक के लिए है, बेस्ट आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ से आप सांस लेते हो, यहाँ से निकालते हो, बंद करते हो, तो सेम यहीं से फिर दोबारा लेना है और यहीं से निकालना है। मतलब कि ऐसे ये होती है जैसे हम करते हैं ये अनुलोम विलोम, यहाँ से आपने लेना है, निकाला यहाँ से और फिर यहीं से फिर दोबारा लेना है। ये एक राउंड हो गया, ठीक है, ऐसे ही करना है, ये बेस्ट है। अगर आपके सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये आप कर सकते हो, ये अच्छा है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, डेली डेली आपको मैं कुछ बताता रहूंगा बेनिफिशियल कुछ भी आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, बस एडिटिंग के लिए बैठा हूँ मैं और हो सकता है एक एप्पल और दमदार हो, तरक्की पक्की है अगर यार दमदार हो, तरक्की पक्की है।